जिला प्रशासन के द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा गुना कलेक्टर भास्कर लक्षकार एवं पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा उपस्थित रहे। यह रैली सुबह 8 बजे नगरपालिका परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शास्त्री पार्क पर खत्म हुई। यहां पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा, जिला कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने सभी लोगों को स्वच्छता के बारे में बातें बताई। साथ ही सभी से आग्रह किया कि कम से कम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। ये स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता फैलाने के लिए थी, और जैसे कि अभी नरेंद्र भाई दादा जी ने कहा है, और जो मंशा है पहले के लिए जो 3 सड़कें हमने कम से कम बताई है, तो वो उसमें एक इम्पैक्ट के रूप में दिखे। कानून कार्यवाही करने से अच्छा होता है कि अपने मन में वो चीज़ आए कि हमें अपना शहर, अगर शहर को अपना मान के चलेंगे तो ज़रूर वो स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि जब अपना घर अपना हम अपने घर को अपना मानते हैं और उसको स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर रहना है, इस शहर में हमको रहना है, और अगर इस शहर को हम लोग अपना मानेंगे, इस रोड को, हर गली मोहल्ले को अगर अपना मानेंगे, जहाँ से हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग जाते आते रहते हैं, अस्वच्छता की वजह से बीमारियाँ फैलती है, आनी इन दी एंड हमारे पास ही है, हमारे बच्चों के पास ही है। तो ये चीज़ अगर हम लेके चलेंगे और हम अंदर से जागरूक होंगे तो स्वच्छता जो है वो अपने आप आएगी। ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इनके पास में नगर पालिका की पानी सप्लाई नहीं है, वो इस बार कर पाते हैं, है ना। क्योंकि नगर पालिका का जो अभी पानी सप्लाई हो रहा है इसमें डिटॉल जो उसे दिया है वो कम है, अच्छा पानी है, तो उसको एक तो करवा। दूसरा ये है कि आज इस मत का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आज के दिन को मैं आह्वान दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ। मैं नगर के सभी जो दुकानदार लोग हैं उन सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि फुटपाथ हमारे पदयात्रियों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ें। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है, फुटपाथ आपकी दुकान को आगे लगाने के लिए नहीं है। ये मैं बहुत साफ और सख्ती से और प्यार से मैं ये संदेश सभी को देना चाहता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी और SP साहब ने भी बताया कि सफाई भी रखनी है और सफाई के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी रखनी है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि पैदल चलने वाले को जगह वहाँ पर पैदल चलने की मिले, साइकिल चलने वाले को साइकिल चलाने की जगह मिले, और उसके बाद में बड़े वाहनों की नंबर आती है। इसलिए पैदल चलने वाले का अधिकार सड़क पर सबसे पहला है। फुटपाथ खाली करिए, फुटपाथ पर आप अपनी कमर्शियल चीज़ें मत रखिए, अगर रखेंगे तो पहले तो हम प्यार से आपको निवेदन कर रहे हैं, आह्वान के रूप में आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन यदि आवश्यकता लगेगी तो फिर हमको सख्ती करने से भी हम पीछे इसमें नहीं हटेंगे। मुख्य आज की जो रैली आयोजित करी गई थी इसमें मुख्य थीम स्वच्छता के विषय में लोगों को जागरूकता की थी, और साथ ही साथ में जो ट्रैफिक का सप्ताह चल रहा है उस पर भी हम लोग कार्यवाही करना चाहते थे। मेरा सभी से आह्वान है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए हैं, फुटपाथ पर आप अतिक्रमण ना करें। यहाँ पर नगर पालिका की ओर से सफाई की जो 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 गाड़ी आती है उसमें आप अपना कचरा डालें, सड़क पर कचरा ना छोड़ें, अंततः इससे आपकी सड़क ख़राब होती है, आप खुद ही उसमें फिर परेशान होते हैं और आपको लगता है कि शहर में गंदगी ज़्यादा है। ये मेरा सभी से आग्रह।